ये एमसीपी है, मैन्यूअल पावर प्लांट बोलते हैं। इसका वर्क क्या होता है, जैसे कि इनकेस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी में कहीं पे फायर हो जाती है, अगर मानो कहीं एक एरिया में रूम में कहीं पे फायर हो गई और वहाँ पे डिटेक्टर वर्क नहीं करता है, अगर एक्टिव नहीं हुआ तो वहाँ से सायरन नहीं जाएगा, तो अपन इसको अगर प्रेस करेंगे तो ये क्या करता है, पैनल जो है पैनल को इंडिकेशन देता है कि कहीं यहाँ पे जो है इमरजेंसी हो गई है, तो ये पैनल को जैसे इंडिकेशन देता है, पैनल हुटर को, यहाँ पे जो आप देखेंगे ऊपर हुटर, हुटर को इंडिकेशन देता है, और हुटर क्या होता है, बजना चालू कर देता है, साउंड करना चालू देता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट ऐसा है कि इसके ऐसे जरूरी नहीं है कि आपके फायर लगी और अब ब्रेन अगर डिटेक्टर ऑपरेट नहीं हुआ तभी दबाए, ये कैसा है, जैसे कि ये स्टेयरकेस के पास लगा होता है, जैसे कि बिल्डिंग आप एवोकेट करते हैं, भाई रूम में फायर हो गई, आपको पता चला फायर हो गई तो आप बाहर निकलते हैं, बराबर है, तो ये कोई भी अगर देखेंगे आप बिल्डिंग में, हॉस्पिटल में, रेस्टोरेंट, मॉल, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, तो ये एग्जिट के पास या स्टेयरकेस के पास लगा हुआ होता है, तो ये इसलिए वहाँ पे लगा हुआ होता है कि जब आप बाहर निकलते हो, इवैक्यूएट करते हो कोई भी बिल्डिंग को, तो बाहर जाते जाते आप दबा दो इसको, ताकि बाकी के लोगों को भी पता चले कि यहाँ पे कुछ फायर हुआ है, इमरजेंसी हुआ है, तब जाके ये दबाना है और इसको ऑपरेट करना है। तो ये क्या क्या रहेगा, ये पैनल को इंडिकेशन देगा, पैनल हुटर को इंडिकेशन देगा और हुटर बजना चालू कर देगा। अब ये हो गया एनसीपी का, मैनुअल कॉल्पेंट का, उसके बाद फायर फाइटर फोन जाए। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जैसे यहाँ से अगर ऑपरेटिंग करते हैं तो कोई रिस्पांस नहीं आता है, कभी कभार कोई इमरजेंसी में वर्क नहीं करता है, तो यहाँ से अब क्या, यहाँ पे फोन लगा हुआ होगा, तो यहाँ से अब डायरेक्ट कंट्रोल रूम में, फायर फाइटिंग कंट्रोल रूम जहाँ पे है वहाँ पे आप कॉल करके बता सकते हैं कि यहाँ से, या कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि यहाँ पे लोकेशन ये है, यहाँ पे इतने आदमी है, मतलब कुछ भी आपको कनेक्शन करना है, कोई भी कम्युनिकेशन करना है, तो इसके लिए ये फोन जैक लगा हुआ है। उसके बाद जो आप ऊपर हुटर देख रहे हैं, हुटर का काम ये है कि जैसे कि अपन एनसीबी प्रेस किया या कोई डिटेक्टर, जैसे यहाँ पे डिटेक्टर देख रहे हैं आप, डिटेक्टर को, तो जैसे यहाँ पे डिटेक्टर देख रहे हैं, तो ये डिटेक्टर एक्टिव हो गया, तो ये डिटेक्टर एक्टिव होने के बाद क्या होता है, ये क्या करता है, पैनल को इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ इमरजेंसी हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गए हैं, जैसे इसमें स्मोक डिटेक्ट कर लिया, तो ये क्या करेगा, पैनल को इंडिकेशन देगा यहाँ पे स्मोक डिटेक्ट हुआ है, तो जैसे पैनल को इंडिकेशन देगा तो पैनल क्या करेगा, हुटर को इंडिकेशन देता है कि भाई देखो बजना है, तो ये क्या करता है, बजना चालू कर देगा। तो ये तीनों चारों के काम यही है, जैसे इनके सब इमरजेंसी, इसका प्रेस करो, ये प्रेस होगा तो ये बजेगा, इसको कॉल करते हैं डायरेक्ट, इसको इससे कॉल आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं कंट्रोल रूम में। तो ये है हुटर, एमसीपी और फोन जैक के बारे में। इसके बाद में डिटेक्टर्स के बारे में आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे डिटेक्टर है, ये स्मोक डिटेक्टर है, खाली के जो स्मोक डिटेक्टर होता है ये स्मोक डिटेक्ट कर लेता है, यहाँ डस्ट भी डिटेक्ट कर लेता है, अगर आप उसको डस्ट, थोड़ा डस्ट का डस्टर से डस्ट उसके सामने निकालेंगे तो वो भी डिटेक्ट कर लेगा। तो ये क्या है, उसमें सेंसर लगा होता है, तो सेंसर क्या करता है, कोई भी पार्टिकल्स उसके अंदर आता है तो पार्टिकल्स क्या करता है, उसके रेज ब्रेक करता है, जैसे रेज ब्रेक हो गए तो वो ऑपरेट हो जाता है। तो उसका काम वही है कि जहाँ पे आदमी कंटिन्यूसली रह नहीं सकता, जैसे कि कोई रूम है, कोई इलेक्ट्रिक रूम है या कोई आपकी गोडाउन है, वहाँ पे आप कंटिन्यूसली तो नहीं रह सकते, ऐसे अभी इतना बड़ा हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के हर एक रूम में तो आप कंटिन्यूसली नहीं रह सकते, तो हर एक रूम में एक डिटेक्टर लगा होता है ताकि कोई, अगर कोई वहाँ पे नहीं है तो भी वो डिटेक्ट करे, अगर कुछ इमरजेंसी हो तो डिटेक्ट करे और आपके पैनल को इंडिकेशन दे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ हुआ है, तो ये काम होता है डिटेक्टर का। तो अभी अपन पैनल का देख लेते हैं।